दोस्तों, अगर आपने डीएमआरसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर 2020 का फॉर्म भरा है तो बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए। परीक्षा ऐप और अपडेट पर अंकित यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए गिव अवे ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां डेली हमारे हर रोज के वीडियो के थ्रू हर रोज 3 विनर्स मिलेंगे, जिनको मिलने वाले डीएमआरसी के टेक्निकल और सीआरए की टेस्ट सीरीज फ्री में, कुछ पैसा नहीं लगेगा, 0 रुपीज। और अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं। गिव अवे के रूल्स देख लीजिएगा और पिछले वीडियोस के हमारे जो गिव अवे के विनर्स है उनका भी नाम आप नेक्स्ट स्लाइड में चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं आपका अपडेट अंकित यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली खोज खोज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट्स आपके लिए लेके आता हूं। आज की बड़ी खास अपडेट आ रही है DSSB की तरफ से, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। यहां पर टेक्निकल असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर और कुछ वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 300 के आसपास वैकेंसी, जिसके लिए आप बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, इसके अलावा बीएससी वाले, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस मात्र 100 रुपए रखी गई है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, रिजर्वेशन किस तरीके से मिलने वाला है, क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है, किस तरह एग्जाम होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, हर एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अपडेट बाय अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक एंड अपने 2000 लाइक्स के साथ शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बता दो बढ़िया मौका निकला और गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर लो। और अपडेट बाय अंकित यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया कर दीजिए। दोस्तों, जैसा हमने बात की, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बंपर भर्ती लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकलते जा रहे हैं। क्या दिल्ली में चुनाव है ये उस कारण हो रहा है क्या? बाकी हमको तो बात करना है इस नोटिफिकेशन के बारे में। एडवर्ट नंबर है 520 ग्रुप सी के अंदर वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर, 300 के आसपास वैकेंसी, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक, डिप्लोमा, बीएससी वाले, इसके अलावा और कुछ ब्रांचेस भी यहाँ पे एलिजिबल है और कुछ क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए, बेसिकली डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके हाथ में होना चाहिए। और फॉर्म जैसा मैंने बताया अभी खुला नहीं है, अपकमिंग है, ये आने वाला है, फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 28/1/2020 से और इसकी आखिरी डेट 27/2/2020 होने वाली है। यानी कि 27/2/2020 तक आप एज लिमिट में भी आने चाहिए, 27/2/2020 तक आपका क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। ग्रुप सी के अंदर वैकेंसी है, या जितनी भी वैकेंसी है ग्रुप सी के अंदर है, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो पे बैंड ये 5000 से 20000 वाला पे बैंड है, यानी कि 20,200 रुपए प्लस टीएडी एचआर यह सैलरी आपको मिलेगी, परमानेंट सरकारी नौकरी लगेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे जो 300 के आसपास वैकेंसी है इसमें कुछ में एक्सपीरियंस मांग दिया गया है और ज्यादातर में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे एसेंशियल में एक्सपीरियंस बोल दिया गया, यानी कि एक्सपीरियंस कंपलसरी बोल दिया गया, कहीं पे डिजायरेबल में एक्सपीरियंस बोला गया, यानी कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यानी कि फ्रेशर्स आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी देखते हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ फ्रेशर्स के लिए जो वैकेंसी है वही मैं कवर करूंगा। तो स्क्रीन पर अभी आप नोटिस देख सकते हैं, पोस्ट कोड है 108/20, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की टोटल 14 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व है 7। 10th प्लस मिनिमम 2 साल का आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल डिप्लोमा बोला गया, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और में बीएससी बोला गया है या फिर इसके इक्विवेलेंट बोला गया है, बीटेक वाले इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी मैकेनिकल वाले तो अप्लाई कर ही पाएंगे, इसके अलावा बीटेक मैकेनिकल इसके इक्विवेलेंट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की वैकेंसी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई, जैसे मैंने बोला ग्रुप सी 2400 ग्रेड पे की जॉब है। नेक्स्ट, टेक्निकल असिस्टेंट आर्किटेक्चर की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, पोस्ट कोड है 103/20, टोटल 3 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है सिंगल, 10th प्लस डिप्लोमा आपने किया हुआ या फिर बीएससी किया हुआ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया मैकेनिकल के लिए भी आर्किटेक्चर के लिए भी। वही एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया। टेक्निकल असिस्टेंट आईटी एनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट, पोस्ट कोड 104/20, 10th प्लस डिप्लोमा है या फिर बीएससी है या फिर इक्विवेलेंट है, यानी कि बीटेक बीएससी इक्विवेलेंट है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी अनरिजर्व है, 2, एज लिमिट वही 18 से 27 साल रखी गई, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी, पोस्ट कोड है 111/20, टोटल 12 वैकेंसी अनरिजर्व है 5, 10th प्लस आपने डिप्लोमा किया हुआ, मिनिमम 2 साल का 3 साल का आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी है या फिर इसके इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिकल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक एलिजिबल होंगे, 2400 गेट पे की जॉब है, 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है।
TA इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पोस्ट कोड 112/20 टोटल 10 वैकेंसी एंड रिजर्व है 4 10th प्लस डिप्लोमा की हो आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीई बीटेक बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया इनके लिए जैसा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में जो वैकेंसी पोस्ट कोड है 115/20 टोटल 28 वैकेंसी एंड रिजर्व है 13 10th प्लस आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मिनिमम बोला गया है या फिर बीई बीटेक या बीएससी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे डिजायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस बोल दिया गया बाकी सब सेम है लिमिट वही 28-27 साल रखी गई है। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वैकेंसी पोस्ट कोड है 107/20 टोटल 3 वैकेंसी अनरिजर्व है सिंगल 10th प्लस डिप्लोमा आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीएससी है या फिर बीई बीटेक इसके इक्विवेलेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगे गए फ्रेशर्स इसके लिए भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल आर्ट के अंदर वैकेंसी है यहाँ पे सिंगल पोस्ट अनरिजर्व में है 10th प्लस 2 साल का मिनिमम डिप्लोमा है 3 साल का डिप्लोमा या फिर बीएससी है या फिर इसके इक्विवेलेंट है बीई बीटेक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब चीज सेम है वही एज लिमिट है वही पे बैंड है हर चीज सेम है। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड है 105/20 10th प्लस डिप्लोमा या फिर बीएससी है इसके इक्विवेलेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब चीज इसमें भी सेम है। इसके अलावा पोस्ट कोड 102/20 टेक्निकल असिस्टेंट ब्यूटी कल्चर में वैकेंसी है 10th प्लस डिप्लोमा या फिर बैचलर्स डिग्री है या फिर इसके इक्विवेलेंट इसके लिए भी आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे वही बाकी सब चीज पे बैंड और एज लिमिट सेम है। पोस्ट कोड 109/20 टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 4 वैकेंसी अनरिजर्व है 2 10th प्लस डिप्लोमा किया हुआ है इससे रिलेवेंट ब्रांच में आप अप्लाई कर पाएंगे या फिर बीएससी है या फिर इसके इक्विवेलेंट है आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट फार्मेसी में भी वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस में भी वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट फैशन डिजाइन में भी वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट कोड 97/20 स्टोर कीपर की वैकेंसी है टोटल 6 वैकेंसी अनरिजर्व है 3 ग्रेजुएट है कोई भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया एसेंशियल नहीं है यानी कि फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वही 2400 ग्रेड पे की जॉब है एज लिमिट वही 27 ईयर्स रखी गई है तो इसमें बीई बीटेक हर एक ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट केयर टेकर की भी वैकेंसी है पोस्ट कोड 98/20 ग्रेजुएट हर कोई अप्लाई कर सकता है या फिर डिप्लोमा है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वह भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है बाकी सब चीज इसमें भी सेम है। फी कलेक्टर सब इंस्पेक्टर ऑक्शन रिकॉर्डर यहाँ पे 131 वैकेंसी है अनरिजर्व है 67 12th पास है या फिर इसके इक्विवेलेंट आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 12th पास बोला गया और डिजायरेबल में सर्टिफाइड या ट्रेनिंग मैनेजमेंट ये डिजायरेबल बोला गया यानी कि ये नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 12th पास होना चाहिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस भी बोला गया मार्केटिंग मैनेजमेंट में 3 साल लेकिन ये अगर आपके पास नहीं है तब भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ 12th पास आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस है तो बढ़िया है सर्टिफिकेट है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है 1900 ग्रेड पे की जॉब है। इसी तरह असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर और भी कुछ वैकेंसी निकली हुई है आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी बीई बीटेक डिप्लोमा के लिए एसेंशियल जितनी भी चीजें थी वह मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में तो एज लिमिट सब में बताया गया वही 28-27 साल रखी गया एज ऑन लास्ट डेट और क्वालिफिकेशन भी जैसे मैंने बताया एज ऑन लास्ट डेट रखी गई है यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में 2020 में पास आउट होने वाले अप्लाई नहीं कर सकते आपका डिग्री डिप्लोमा बेसिकली आपके हाथ में होना चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं आप दिल्ली के बाहर भी रहते आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं लेकिन रिजर्वेशन यहाँ पे सिर्फ दिल्ली वालों को मिलने वाला है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस दिल्ली वालों को मिलने वाला है दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है और जनरल अनरिजर्व में जो वैकेंसी है उसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे फॉर्म भरने की फीस 100 रुपीज रखी गई है जनरल वालों के लिए इसके अलावा एससी एसटी और मेरी बहनों के लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है तो अगर आप मेरी बहन है फीमेल है तो आपको जरूर अप्लाई करना है क्योंकि आपके लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन दिक्कत आपको तब होगी जब इन लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि हम एक साथ कई पोस्ट का भी एग्जाम एक ही समय में कंडक्ट करा सकते हैं जिससे अगर आप बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको दिक्कत होगी आपको कुछ पोस्ट के लिए ही एग्जाम देने जाना पड़ेगा यानी कि कुछ पोस्ट का आप एग्जाम नहीं भी दे पाएंगे ऐसा भी हो सकता है तो सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा क्योंकि एक ही समय में अलग अलग पोस्ट के भी यहाँ पे एग्जाम हो सकते हैं नोटिफिकेशन में बताया गया है। हालांकि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप संभल के अप्लाई कीजिएगा मैं तो बोलता हूं मत लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न होने का है टीयर 1 टीयर 2 दो पार्ट में ये रिटर्न होने का डिटेल में बात करते हैं। एग्जाम के सेंटर आपको दिल्ली एनसीआर में ही मिलने वाले हैं इसके अलावा मैनेजमेंट कुछ और सेंटर भी ऑर्गेनाइज करा सकता है लेकिन दिल्ली एनसीआर जाने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अगर आप दिल्ली में रहते तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अभी आप
पैटर्न देख सकते हैं एग्जाम का, टीयर वन टीयर टू एग्जाम किस तरीके से होने का है। कल आपको टीयर वन एग्जाम देना पड़ेगा। टीयर वन एग्जाम जो होने वाला है दो पार्ट में होने वाला है, जो पार्ट वन है वो नॉन टेक्निकल होने वाला है, जो पार्ट टू है पूरी तरीके से टेक्निकल होने वाला है। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और टीयर वन का जो सेक्शन बी होगा उसमें आपका टेक्निकल, आपका ब्रांच रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल। तो टीयर वन में दो सेक्शन में एग्जाम होगा, फिर टीयर टू होगा, टीयर टू भी दो सेक्शन में होगा। टीयर टू का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो टीयर वन का पूरा सिलेबस होगा, प्लस वो हाई लेवल में होगा। टीयर वन आपको क्लियर करना पड़ेगा टीयर टू में पहुंचने के लिए। टीयर वन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, टीयर वन आप क्लियर कीजिए टीयर टू में पहुंचने के लिए। और टीयर वन के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, टीयर टू के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनने का है। टीयर वन क्वालिफाई कीजिए, टीयर टू में पहुंचिए। टीयर टू में टीयर वन का पूरा सिलेबस आपको थोड़ा हाई लेवल में कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, ये भी हमें बताया गया है। और टीयर टू में जो पार्ट टू होने वाला है इसमें डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो ये भी हमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। दोस्तों इसके अलावा मैनेजमेंट या पोस्ट के हिसाब से टीयर वन कराना है कि सिर्फ टीयर टू कराना है या दोनों कराना है वह डिसाइड करेगा, और वह भी हमें डिटेल बता दी गई है। तो यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से रिटर्न होने का है, तो डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म अभी एप्लीकेशन फॉर्म खुला ही नहीं है। फॉर्म खुलने वाला है इस महीने की 28 तारीख से 28 जनवरी से, और लास्ट डेट इसकी 27 फरवरी 2020 होने वाली है। फॉर्म भरने की फीस मात्र ₹100 होने वाली है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई लोग यही थी कुछ चीजें, यही थी कुछ डिटेल, यही थी कुछ बातें जो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अपडेट भाई अंकित को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।